हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि एक टर्म दोस्तों जो बार 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 ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है, लेकिन उसको कहीं कुछ इतना अच्छी तरीके से समझाया नहीं गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर वीडियो बना के आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए मेरे थ्रू। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है क्या, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये जो टर्म है ये आपके रेडी स्टेट से रिलेटेड है। ये क्या है, रेडी स्टेट से रिलेटेड है। मान लीजिए आपके पास कुछ प्रोसेसेस है, से 50 प्रोसेसेस है, ओके। तो वो 50 प्रोसेसेस आपके रेडी स्टेट में बैठे हुए हैं, रेडी स्टेट में है। मतलब अगर आपकी ये रेडी स्टेट है पर्टिकुलरली, तो इसमें ऐसे 50 प्रोसेसेस जो है वो बैठे हुए हैं, 50 प्रोसेसेस रेडी है, ओके। तो आप क्या कहोगे, द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज 50। बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें समझने जैसा। आप समझ में आया कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है उस सिस्टम की अगर देखूं मैं, तो वो जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कितनी है, 50 है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर 50 है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली रेडी स्टेट के अंदर, 50 प्रोसेसेस बैठे हुए हैं, 50 प्रोसेसेस प्रेजेंट है, 50 प्रोसेसेस रेडी है फॉर द एग्जीक्यूशन। अब इतना बात समझ में आ गई। तो ये हुआ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस स्टेट से रिलेटेड है स्पेसिफिकली, ये है रेडी स्टेट से रिलेटेड है। ये किससे है, रेडी स्टेट से रिलेटेड है। लेकिन इस चीज को, इस पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट को कंट्रोल कौन करता है, मेजर कंट्रोलिंग हैंड किसका है, वो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। वो कौन है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जैसे आपको पता होगा मैंने वीडियो भी बनाया कि भैया न्यू स्टेट से जब आप ट्रांजिट करते हो रेडी स्टेट पे, तो ये जो बीच का तामझाम है, ये जो ट्रांजिशन है, ये संभालता कौन है, ये संभालता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसलिए आप कह सकते हो कंट्रोल द DOM। DOM मतलब क्या, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब एक तरीके से ये कंट्रोल करता है कि कितना डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मस्ट बी स्टेबल। और ये जो स्टेबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बिठा के रखता है, पकड़ के रखता है। तो इसका काम क्या होता है कि भैया न्यू स्टेट से एक प्रोसेस को क्रिएट करके रेडी में डाल देना, एक प्रोसेस को क्रिएट करके रेडी में डाल देना। तो जितनी प्रोसेसेस आप रेडी में आएंगी, उतनी डिग्री ऑफ मेरी मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती जाएगी। ज्यादा प्रोसेसेस मेरी रेडी स्टेट में आएंगी, जो कि डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के ऊपर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, आपकी प्रोसेस को क्रिएट करता है और उसको रेडी क्यू में भेजने का काम करता है। तो जितनी ज्यादा प्रोसेसेस रेडी स्टेट में, उतनी ज्यादा आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आते हैं दूसरे शेड्यूलर्स की तरफ, देखते हैं बाकी के जो शेड्यूलर, जैसे कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, इनका क्या इफेक्ट है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ओके, या फिर क्या इंपैक्ट है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जैसे कि आपको पता है ये रेडी स्टेट और रन स्टेट के बीच में खेलते हैं। ये क्या करते हैं, रेडी स्टेट और रन स्टेट के बीच में ये खेलते रहते हैं। मतलब रेडी है तो फिर आपका यहां पे जाएगा रन में, और वापस से रन में यहां पे रेडी में आएगा, बराबर ऐसे वो चलता रहता है। रेडी से रन में कोई प्रोसेस शेड्यूल होती है, और शेड्यूल होने के बाद अगर बाय चांस वो प्रीएम्प्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो वो वापस से रेडी स्टेट में आ जाती है। तो ऐसा वो गेम चलता रहता है। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो कंट्रोल करता है DOM को, लेकिन उसका जो कंट्रोल है थोड़ा सा लेस है, इट हैज अ लेसर कंट्रोल एज कंपेयर्ड टू द कंट्रोल व्हिच द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज हैविंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो यहां पे देयर इज अ समवट लेस कंट्रोल ओवर द DOM, दैट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी आते हैं भैया, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो हो गया, अभी जो फाइनली आते हैं दैट इज अ मीडियम टर्म शेड्यूलर। अभी मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या है, इट रिड्यूसेस द DOM। कैसे भाई, कैसे इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कैसे। जैसे आपको पता होगा अगर मेरी कोई पर्टिकुलर एक प्रोसेस रेडी में है, तो वो जा सकती है सस्पेंड में। वो कहां जा सकती है, सस्पेंड स्टेट में जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब भी आपका कोई प्रोसेस सस्पेंड स्टेट में क्यों जाता है, क्योंकि आपकी मेन मेमोरी पूरी फुल हो चुकी है, पूरी मेन मेमोरी आपकी भर चुकी है, सब आपके जो प्रोसेसेस है उसमें भर चुका है, फुल हो चुका है आपका मेन मेमोरी बाय द प्रोसेसेस। और उसी वक्त एक और प्रोसेस आती है, उसी वक्त तुरंत एक और प्रोसेस आती है जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो भाई उसके लिए तो जगह ही नहीं बची मेन मेमोरी में। तो आपको क्या करनी पड़ती है, जगह करनी पड़ती है बाय पिकिंग अप अ पर्टिकुलर प्रोसेस एंड जस्ट डंपिंग इट आउट इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो जब भी आपकी कोई प्रोसेस रेडी में होती है, तो वो मेन मेमोरी में होती है, वो मेन मेमोरी में। और जब आप उसको मेन मेमोरी से निकाल देते हो और उसको सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हो, तब उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस होती है उसकी स्टेट होती है सस्पेंडेड स्टेट। तो ये जो स्वैपिंग का प्रोसेस है बिटवीन मेन मेमोरी एंड सस्पेंडेड मेमोरी, ये काम कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। तो अगर आपने एक चीज यहां नोटिस की होगी तो आपको समझ में आएगा कि मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है, प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से
से बाहर निकालने का काम कर रहा है, प्रोसेसेस को रेडी स्टेट से बाहर निकालने का काम कर रहा है, तो एक तरीके से वो आपका जो DOM है उसको रिड्यूस कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर मेरे स्टेट में 50 प्रोसेसेस थी, तो अगर मेरा MTS चार्ज लेता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर चार्ज लेता है, तो वो इसमें से कुछ प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से निकाल देगा और सेकेंडरी मेमोरी में डाल देगा, यानी कि वो रेडी स्टेट से निकाल देगा, सस्पेंडेड स्टेट में डाल देगा। तो आपके रेडी स्टेट में ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है वो कम हुआ है नहीं, मतलब 50 में से उसने 10 को निकाल दिया, सस्पेंडेड स्टेट में डाल दिया, अब रेडी में बची 40। तो अब जो 40 बची है एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस 50 का जो आंकड़ा था, अभी 40 बची है, इसका मतलब क्या हुआ? There is a reduction in the number of processes present in the ready state. इसीलिए there is a reduction in the DOM, that is a degree of multi-programming, जब आप consider करते हो medium term scheduler को। तो दोस्तों यही था, ये जो मैं information आप तक पहुंचाना चाहता था कि भाई degree of multi-programming क्या होता है, जो अलग अलग schedulers होते हैं वो किस तरीके से handle करते हैं इस concept को, उनका क्या impact होता है इस concept के ऊपर, यही मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। ये वीडियो ने अगर थोड़ी सी भी आपकी मदद कर दी होगी दोस्तों, तो इस मदद को propagate कीजिए, share कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों साथ, एग्जाम नजदीक है, उनकी भी मदद हो जाएगी, मेरी मदद उन सब तक पहुंचेगी, और वो सिर्फ आप पहुंचा सकते हो बाय शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।